हेलो फ्रेंड, स्वागत है सुनील प्लस रीना ब्लॉक्स में आप सभी को। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम सभी लोग भी ठीक हैं, अच्छे से हैं और ठीक हैं। और देखिए रिशु जी अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कलर निकाल के रखे हुए, कलर करेंगे। और मैं सुबह ड्यूटी गया था तो अभी शाम में आया हूँ तो सोचा बैठ के ब्लॉग्स बना लेते हैं। और देखिए इनको पहचानने की कोशिश कीजिए, ऐसे कंडीशन में कभी नहीं पहचाने होंगे क्योंकि आपको चश्मा में पहली बार मिले हैं ये ब्लॉक में। तो अभी देखिए ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। हटो ना रिशु, अभी टाइम निकाले हैं थोड़ा सा बैठ के, अभी कंप्यूटर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोस्त से लाया हूँ मांग कर, तो रीना जी बोले थोड़ा कंप्यूटर सीखना है। तो देखिए रीना जी अभी क्या कर रहे हैं, लैपटॉप सीख रहे हैं, लैपटॉप लाए हैं मांग के दोस्त से। मेरा एक जिगरी दोस्त का है जिसका नाम है ऋतिक कुमार सिंह, और उन्होंने मेरा चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब बढ़वाए हैं अपने फ्रेंड्स लोग को बोलकर। और आगे भी मेरा ब्लॉग में वो बहुत बनाने मदद करते रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए रीना जी का लैपटॉप सीख रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से कुछ सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप मिला के। तो हम भी सोचे थोड़ा इनसे कुछ सीख लें क्योंकि ये लैपटॉप बहुत दिन सीखे हो हैं, बहुत दिन हो गए इनको कंप्यूटर चलाए, कुछ भूल चुके हैं। मेरा कम से कम 8-9 साल हो गया कंप्यूटर और लैपटॉप छुआ हुआ, तो ज्यादातर चीज हम भूल चुके हैं क्योंकि हम जब सीखे थे उस टाइम XP Windows 3, 4, 5 में सीखे थे। और अभी जो है वो कुछ दूसरा वर्जन है, ये कौन सा वर्जन है हमको भी नहीं पता है। नया है लैपटॉप मेरा फ्रेंड का, सीखने के लिए मांग के लाए हैं रीना जी को, तो सीखने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, टाइम निकाल के ब्लॉग देखने की कोशिश करें आप सभी लोग। अभी हम लोग का फर्स्ट टाइम है, हमें यहाँ सिलेक्ट किए। सीखने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए रिशु भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी मार खाया है पापा से, पढ़ नहीं रहा था तो अभी पढ़ रहा है। देखिए कहाँ टीचर, देखिए। और अभी सीखने के बाद आधे घंटे के बाद फिर जाएंगे खाना खाने, बनाने सोयाबीन आलू का सब्जी और रोटी। तो आज देसी चिकन जिसको बोलते हैं सोयाबीन आलू, बचपन में बहुत खाते थे और उसको क्या बोलते थे आप, चिकन बोलते, चिकन बोलते थे, फेवरेट है मेरा सोयाबीन। जानते नहीं है मतलब घर वाले बोल रहे हैं सोयाबीन। हम लोग का कोई लव स्टोरी नहीं है जो हम इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। हम ये मेरे बारे में अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है, 6 साल हुआ एक दूसरे को जाने, लेकिन अरेंज मैरिज करने के बाद ही हम लोग लव मैरिज किए लव किए मैरिज किए और उसका परिणाम निकला ये देखिए, ये मैरिज सर्टिफिकेट है मेरा। रिशु जो है मैरिज सर्टिफिकेट है। और आप सब ब्लॉग देखते रहिए और हम लोग को ब्लॉग फ्रेंड लोग को जरूर बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए ताकि हम लोग का हौसला बुलंद हो। और आप भी कुछ बोलिए, क्या बोले जा रहे, बनाएंगे हम बस, इनका जिंदगी है खाना बनाना है, खिलाना है, खाना है और खाना है सोना है बस। अब मुझे खाना सिर्फ दुनिया भर के खाते रहना है। रिशु को सिर्फ खाने में मजा आता है। जब भी बेटा नो मां को बेटे भूख भूख भूख, रिशु को सिर्फ खाने में मजा आता है, भूख लग
और पढ़ने में आता है कि नहीं मजा? नो, नो, नो। पढ़ने में नहीं मजा आता है? ऋषु को पढ़ने में भी आता है लेकिन थोड़ा 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 आता है। फ्रेंड देखे अभी ऋषु काली माता का भजन गाया, अभी मंत्र जो था अभी ऋषु कितना अच्छा सुंदर गाया। आप सभी को पसंद आया कि नहीं लाइक करें, कमेंट करें, मैसेज जरूर बताने की कोशिश करें ताकि ऋषु का हौसला अब जाहिर हो। हाँ। अच्छा लगा तो मैसेज जरूर करें ऋषु के लिए। हेलो फ्रेंड देखिए चश्मा वाली मैडम को, रीना जी को खाना बना रहे हैं। जिंदगी में कुछ नहीं बाकी है, खाली देखिए एक क्या चीज का खाना बना से देख लीजिए। सोयाबीन आलू का सब्जी टमाटर डाल के देखने में अच्छा लग रहा है। सोयाबीन और आलू और टमाटर खाने में देसी चिकन की तरह लगेगा। ये आटा रोटी सब्जी और क्या बनेगा, चटनी वगैरह भी? चटनी नहीं, उसके साथ दूध रहेगा। फ्रेंड देखिए आज का ताजा सब्जी, आज कुछ स्पेशल नहीं है। जल्दी ठंडा लग रहा है इसलिए रीना जी बोले जल्दी आज खाना बनाएंगे। जल्दी में और थक भी गए हैं तो जल्दी में खाना बन रहा है। इसके बाद खाने बाद सोएंगे, रेस्ट करेंगे। कल फ्रेंड ड्यूटी नहीं है, कल छुट्टी है, घर में ही रहेंगे। तो एक डेढ़ महीने के बाद एक गुड न्यूज देंगे आपको। हाँ स्पेशल गुड न्यूज रहेगा वो। उसका एक अलग ब्लॉग बनेगा नए साल में। वैसे हिंट तो दे दिए थे बापू का बर्थडे के टाइम में। हाँ देखते रहिए और इंतजार करिए नया गुड न्यूज का। तब तक के लिए गुड नाइट फ्रेंड, बाय, सी यू, टाटा। आप सभी को मैं हम लोग के ब्लॉग की तरफ से शुभ रात्रि।